शारदीय नवरात्रि की पूर्व संध्या पर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने जनपद वासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। नवरात्रि की पूर्व संध्या पर जहां देवी मंदिर सजने लगे हैं, वहीं पर बाजारों में उमड़ी ग्राहकों की भीड़ देखकर व्यापारियों में दौड़ी खुशी की लहर। कल से शुरू हो रहे नवरात्रि अब की बार पूरे 9 दिन चलेंगे। शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह 10:24 से शुरू होकर 11:26 तक रहेगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी दुर्गा को ब्रह्मांड की सर्वोच्च एवं परम शक्ति देवी कहा गया है। पुराणों की मान्यता के अनुसार जो भक्त 9 दिन तक लगातार देवी माँ के जो अलग अलग रूपों की पूजा व उपासना करते हैं, देवी माँ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। जिला प्रशासन भक्तों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुलिस के साथ साथ महिला पुलिसकर्मियों को मंदिर के बाहर सुरक्षा में तैनात किया गया है, ताकि मंदिर आने वाले भक्तों को किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मंदिर जाने वाले सभी रास्तों को CCTV से लैस कर दिया गया है और अराजक तत्वों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी कारण से किसी महिला को रात में घर जाने में कोई दिक्कत महसूस होती है तो महिला पुलिसकर्मियों को उस महिला को उसके घर तक सुरक्षित पहुँचाने की जिम्मेदारी दी गई है। सर, कल से नवरात्र शुरू हो रही है, उसको लेकर सुरक्षा को क्या क्या इंतजाम किया गया और कहाँ कहाँ पे किस तरीके के दिशा निर्देश थे? देखिए, कल से जो शारदीय नवरात्रों का महोत्सव शुरू हो रहा है, उसको लेकर के जनपदीय पुलिस को बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ और अलर्ट कर दिया गया है। जितने भी पंडाल हैं वहाँ पे महिला भीड़ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, अन्य भी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। जो भी भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वहाँ भी पुलिस की विजिबिलिटी इंश्योर की जाएगी। जहाँ जहाँ रामलीलाओं का मंचन होगा वहाँ से अगर महिलाएं देर रात वापस जाती हैं तो उस पूरे रूट को सैनिटाइज करके वहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। जो प्रोसेशंस के रूट हैं वहाँ पे CCTV कैमराज की व्यवस्था कराई जा रही है और आयोजकों के साथ रूट का भ्रमण करके वहाँ यदि कोई समस्या है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। समस्त प्रयास किए जा रहे हैं कि पुलिस लगातार अलर्ट रहे, विजिबल रहे, लोगों के अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा हो और कहीं भी किसी तरीके की कोई समस्या पैदा ना होने पाए। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।